मामला उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का है, जहां गुलफसा बेगम नामक एक महिला को उसके ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज को लेकर पिछले एक साल से प्रताड़ित कर रहे थे। पीड़ित महिला ससुराल वालों से परेशान होकर अपने मायके चली गई, जिसके बाद उसने अपने मायके वालों की मदद से पति सहित अन्य ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस ने IPC की धारा 498A, 323 और 377 के तहत संबंधित थाने में मुकदमा पंजीकृत कर लिया। दूसरी ओर पीड़िता ने शीघ्र न्याय पाने के लिए जनपद न्यायालय सहित महिला NGO बाल एवं महिला विकास एवं शोषण निवारण कल्याण समिति में भी अर्जी दाखिल की। दूसरी ओर महिला NGO की महिला पदाधिकारियों ने दोनों परिवारों को एक साथ बैठाकर समझाया, जिसके बाद ससुराल वाले पीड़िता को अपने साथ रखने के लिए राजी हो गए। लेकिन जब NGO के अधिकारी गुलफसा को उसके ससुराल लेकर पहुंचे तो ससुराल वालों ने उसे अपने यहां रखने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी गुलफसा जबरन अपने ससुराल रुक गई। फिलहाल NGO ने गुलफसा की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी है। सर, इस लड़की की कंप्लेन NGO में आई थी, जो इसका मुकदमा कोर्ट में चल रहा था, पर वहाँ पे क्या हुआ कि लड़की का कंप्रूफ वहाँ पे हो गया था कोर्ट में। फिर जो लड़की हमारे यहाँ NGO में आई थी तो वहाँ पर भी इसके पति से रखने को तैयार नहीं था। फिर उसके बाद में हमारे पास कंप्लेन आई थी, तो हम लोग इनके पति से बात करने आए थे और लड़की रहना चाहती है अपने ससुराल में, तो हम लोग बात करने आए थे। तो इसके पति ने और इसके ससुराल वालों ने जाके सास ससुर और देवर और ननद सब ने लिख के हमें कॉम्प्रो लेटर दिया कि मैडम हम रखने को तैयार हैं और हम आज ही रखेंगे। तो हमने कहा ठीक है। फिर इनने कॉम्प्रो लेटर दिया हमें, उस पर सिग्नेचर करें इन पे। फिर हम गए थाने में, हमने कॉम्प्रो लेटर की एक फोटोकॉपी दी। फिर हम वहाँ से हम पुलिस प्रशासन को साथ लेकर आए, उन्होंने भी हमारी बात सुनी। फिर लड़की को वहाँ से लिया, उसके घर से लड़की को यहाँ छोड़ने आए हम लोग। जी, मुझे NGO वाले लेके आया। NGO वाले लेके आए? तो ये आपका ही मकान है? जी, मेरे ही मकान है। अभी यहाँ घर पर कौन कौन है आपके? सास है, ननंद है, ससुर है, देवर भी थे। इन्होंने मुझे NGO वगैरह इन्होंने घर पर मुझे ले लिया है, मेरे पति ने भी ले लिया है। अब कोई समस्या तो नहीं है आपको? समस्या आई है मुझे इन लोगों से, ननंद से और सास से मुझे थोड़ा डर है। किस बात का डर है? हाँ, किस बात का डर है आपको? मुझे ये डर है कि बोलते मुझे कुछ कर ना दें रात में। नाम भी आपका? मोहम्मद राहिल। आज लड़की आपके घर में आई, क्या मामला है? ये पति पत्नी की दिक्कत है और मतलब पूरे घर को परेशान किया है हमारे। क्या परेशानी क्या हुई? ये मतलब शादी होने के बाद ज़्यादा 8 दिन सही रही हैं, उसके बाद हम दो भाइयों को पकड़वा दिया, फिर हमारी माँ को पकड़वा दिया, फिर महिला थाने से केस डाला, 370 लगवा दी लड़के के ऊपर, भाई के ऊपर हमारे। अब कोर्ट में हमारी कल की तारीख है, अब ये लड़की को जबरदस्ती घर में घुसड़ने की कोशिश कर रहे हैं।